बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी YouTube फैमिली? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे, अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक रखे। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज बच्चे कह रहे हैं रेडीमेड पराठे खाने हैं, जी मैं लेके आई थी टेस्को से, तो टेस्टी होते हैं, बच्चे शौक से खाते हैं। अगर आपके पास टाइम ना हो और आटा गूंदा वगैरह ना हो तो फटाफट ये पराठा निकालें और बच्चों को बना के दे दें। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जब नहीं होता टाइम तो ब्रेकफास्ट, हॉलीडेज है ना बच्चों को स्कूल से, तो वो कहते हैं आज पराठा खाना है रेडीमेड वाला, मम्मा वो बना के दो, तो मैं यही बना के देने लगी हूँ। जी अब मैंने तवे पे रख दिया है पकने के लिए, मीडियम आंच पे, मीडियम हीट पे पकता रहेगा, साथ साथ मैं साइड चेंज करती रहूँगी। जिनको नहीं पराठे बनाने आते उनके लिए इजी है, बना के जे वाले फटाफट खा लें। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस पर थोड़ा थोड़ा बटर लगाती होती हूँ, वैसे तो बटर ऑलरेडी लगा होता है लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा लगा लेती हूँ, बच्चे कहते हैं मम्मा और लगा के दो। ये देखें कितना नाइस कलर आया है पराठे का, ये दूसरी साइड देखें कितना नाइस पराठा रेडी हुआ है। आप भी अगर टाइम ना हो ऐसे है ना टेस्को से या कहीं से भी मिल जाते हैं हमजा वाले पराठे, ला के बच्चों को बना के दिया करें। अब मैं अपनी मेडिसिन खा लेती हूँ, आज थर्सडे तो थर्सडे वाली खाऊंगी मॉर्निंग। आप जब सुबह को नीचे आए तो आपका किचन साफ हो तो दिल को बहुत तसल्ली होती है। ये तो अभी मैंने पराठा बना के दिया है तो बहुत तसल्ली होती है, जब किचन आपका साफ हो ना दिल भी करता है काम करने को। अगर मैस हो, जब आप नीचे आओ मैस हो तो दिल नहीं करता कुछ भी करने को। तो अब बाकी के जो पराठे हैं वो बना लेती हूँ। ज़ारा की, मेरी डॉटर की कज़न भी आई हुई है साशा ज़ारा की, तो वो भी शौक से पराठा बहुत शौक से खाती है ये वाला, वो मिलके एंजॉय करती हैं, हॉलीडेज हैं तो मिलके इतना माशरा खेलती हैं, कभी यूट्यूब के चैनल के लिए बनाती हैं, कभी टिकटॉक बनाती हैं, रौनक लगाई रहती है सारा दिन। बहुत अच्छा लगता है जब इकट्ठे खेलते हैं, माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको ऐसे हमेशा रखे, इनकी किस्मत अच्छी करे अल्लाह ताला, बस आप सब दुआ करें। अब इसकी मैं साइड चेंज कर लेती हूँ, हाथ से करने लगी थी लेकिन हाथ से नहीं हुई वैसे, तो चिमटे से करूँगी। बिस्मिल्लाह। अब इस पे मैं लगाऊंगी बटर, ट्राईपॉड मैंने अभी ऑर्डर करना है, अभी किया नहीं है, उसके बगैर बहुत मुश्किल हो रही है मुझे, फिर कैमरा कभी इस साइड पे हो जाता है कभी उस साइड पे, जब काम करो तो ट्राईपॉड पे बहुत इजी होता है, एक जगह पे रहता है फिर अपना काम करते जाओ।
ये दोनों अपने ब्लॉग बना रही थी तो उसकी बेचारे मेरे ट्राइपॉड की टांग ही इन्होंने तोड़ दी बेचारे गरीब की। हाँ जी पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं। मौसम नाइस से बाहर बारिश भी हो रही थी सुबह, अब धूप निकली हुई है माशाल्लाह। ये फॉर्म फूड का लीफलेट आया था तो ये वाले जो पीजी वाले टी बैग हैं 240 ओरिजिनल वाले, पहले थे 4 for 12 pound, अब इन्होंने 14 pound के कर दिए हैं। और भी काफ़ी चीज़ें एक्सपेंसिव हो गई हैं, ये देखें जैकेट पोटैटो, मैं तो घर में वैसे बना लेती हूँ। ये वाले अगर किसी ने लेने हुए तो 2 for 4 pound के लगे हुए हैं फॉर्म फूड पे। वेजेस 99p के हैं। ये पता नहीं हलाल हैं लेकिन पता नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किए, मैं तो अपनी हलाल शॉप पे ही लेती हूँ सारा चिकन मीट। ये भी हलाल लिखा हुआ है, क्रिस्पी चिकन विंग्स, और ये मिनी चिकन ब्रेस्ट फिलेट, ये 2.5 kg के हैं, पता नहीं 10 pound के लगे हैं। ये भी 1 kg बीटेड चिकन ब्रेस्ट चंक्स, पता नहीं अब कोई लेता है तो मुझे बताना कमेंट्स में इसका टेस्ट कैसा है। हलाल ही होते हैं, मेरे हस्बैंड नहीं लाइक करते, वो कहते नहीं ना टेस्को से लेना है, हलाल लिखा होता है लेकिन पता नहीं हलाल हैं कि नहीं, अपनी शॉप से लिया करो। जोक्शा टी भी नाइस होती है, मैंने ट्राई की है, 50 फ्री टी बैग्स जोक्शा टी, 210 फॉर द प्राइस ऑफ 160, 5 pound के लगे हुए हैं जी। नाइस है ये भी टी बैग, और भी काफ़ी डील्स वगैरह लगी होती है। ये मैं लेती थी सर्फ 2 for 26 pound के, अब कर दिए थे पहले 3 for 25 की लेती थी मैं, 130 वॉशेस होते थे इसमें। कभी कभी नाइस बर्तन वगैरह ना नॉनस्टिक पे और भी बेकिंग वगैरह टेन वगैरह काफ़ी लगे होते हैं इन पे ऑफर पे, शॉप पे जब जाते हैं तो लगे होते हैं सब। ये जो कंफर्ट है ये मैं लेती थी 4 for 12 pound और अब इन्होंने कर दिए हैं 4 for 15 pound। एवरीथिंग एक्सपेंसिव हो गया है अब तो यूके में, क्रिप्स वगैरह भी बहुत एक्सपेंसिव हो गए। कहाँ मैं ये 1 pound के वॉकर स्क्रिप्स लेती थी, अब इन्होंने मिक्स एनी 3 for 4 pound के कर दिए हैं। प्रिंगल 185,
हाँ जी, अब मैं सफाई कर लेती हूँ। सबसे पहले जी सेटी के जो कवर है ये मैं उतारूंगी। इसमें एक हाथ से मुश्किल है काम करना। हाँ जी, जे कह रही है मैं साथ हेल्प करूंगी कवर उतारने में, तो चलें हम उतार लें, फिर इसके बाद आपसे बात करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले अब मैं कवर कर लेती हूँ जो सोफे से पड़ी हैं। इस छोटे छोटे क्लीन कर लेती हूँ, इधर मैस हो जाता है भैया कवर भी चढ़ाई तो। टेबल क्लीन कर लेते हैं, वाइप भी करूंगी इसके मैं। बच्चे टीवी देख रहे हैं तो ये सेटी में स्टोरेज भी बना होता है, इसमें इसे ओपन कर सकते हैं। सेटी के कवर वगैरह जो हैं सारे मैंने इसी में रखे होते हैं, जब वॉश कर लेती हूँ फिर निकाल के ड्राई करके इसी में वापस रख देती हूँ, फिर निकाल के इस पर चेंज भी कर लेती हूँ फिर सेटी के कवर्स। हाँ जी, कवर मैंने चेंज कर लिए हैं। अब मैं होवर वगैरह करूँगी, ये बेटी आके लेट गई है यहाँ। हाँ जी, हूवर मैंने यहाँ से कर लिया है। अब मैं यहाँ शूज वगैरह उठा के टाइट पर रखूँगी, शूज रैक में रख दिए हैं। तो बाकी अब सफाई कर लेती हूँ मैं। अब वॉशिंग मशीन ऑन कर लेती हूँ, ये बच्चों के पी किट से ये मैं डालूँ मशीन में, फिर वॉशिंग ऑन कर लेती हूँ। देखिए पहले धूप निकली थी, अब बाहर बारिश हो रही है, वेदर का कोई पता नहीं चलता इधर तो। हाँ जी, जो ड्राई किए हैं कपड़े वो भी निकाल लेती हूँ। कल मैंने बाहर गार्डन में फैलाए थे तो ड्राई हो गए थे, फिर बारिश स्टार्ट हो गई थी, थोड़े थोड़े गीले थे, मैंने सोचा चले थोड़ी देर के लिए ना ड्राई कर लेती हूँ, तो ये मैं निकालूंगी अब। अभी कोट वगैरह ड्राई नहीं हुए थे तो मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए और लगा लेती हूँ, ड्राई हो जाएंगे हाफ आवर में। अब मेरा खाने का टाइम हो गया ब्रेकफास्ट का, जे मैंने पराठे बनाए हैं और साथ जे आम का और मिर्च का अचार लिया है, जे मेरी फ्रेंड पाकिस्तान से लेके आई थी। गार्डन का भी क्लिप दिखा दूँ, ये देखें बारिश अब हो रही है बाहर, मौसम नाइस है, हवा चल रही है हल्की सी पर इतनी सर्दी नहीं है, नाइस है। ये देखें बच्चों के साइकिल वगैरह, इधर ट्रैम्पलिन वगैरह वैसे ही पड़ी है, बच्चे खेलते रहते हैं ना, वेदर नाइस था कुछ दिन तो, डस्टबिन बिन वगैरह इधर पड़े हैं सारा कुछ, तो वो जो प्लांट लगाए हुए हैं उधर पड़े होंगे, आपको नज़र पता नहीं आ रहे हैं कि नहीं, वो देखें जूम इन करके दिखाती हूँ, उसमें टमाटो मिर्चें पुदीना वगैरह लगा हुआ है, फ्लावर भी लगे थे, अब तो सारे सूख गए हैं, फिर इंशाल्लाह लगाएंगे समर में। हाँ जी, साथ ही मैं अब अपनी चाय बना लेती हूँ और साथ ही केटल वगैरह लगा दिया है, हम जो वाटर पानी वगैरह पीते हैं या बाहर से लेके आते हैं तो
तो या हम बॉईल करके पीते हैं, अगर ना हो तो बॉईल ही करके पीते हैं ज़्यादातर। हम टैप का बहुत कम पीते हैं, पीते ही नहीं है बल्कि बस टैप का बहुत कम पीते हैं। कभी कभार हो जाता है ना हो तो, लेकिन वरना हम केटल का बॉईल करके पीते हैं और बाहर से ले आते हैं मेरे हस्बैंड। हाँ जी, चाय मेरी बन गई है, आज मैंने इंग्लिश टी बनाई है, यही पीऊँगी। हॉलीडेज हैं, स्कूल के तो बच्चे लेट उठते हैं और लेट ही ब्रेकफास्ट करते हैं, लेट ही सारा टाइम खाने पीने का टाइम चेंज हो गया अब। हाँ जी, ये मेरा आज का ब्रेकफास्ट। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग आपको बताना, मेरी मॉर्निंग रूटीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और जो अच्छा हो वही कीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा वेदर। ओके, अल्लाह हाफिज़।